हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। लास्ट वीडियोस में हमने इसके डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2, जिसके हम ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमने क्लास 10th में भी पढ़े हैं एपी का, तो उसी के बेस्ड पे ये क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 5n+4, 9n+6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ द 18th टर्म। तो दो एपीज है, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, पहली एपी, डिवाइडेड बाई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी, है ना। दो एपीज है ना, और दोनों की सम ऑफ एन टर्म्स हमें दे रखी हैं, वो क्या है 5n+4 रेशो 9n+6, यही मतलब है इसका क्वेश्चन का। हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ द 18th टर्म, यानी कि हमें फाइंड करना है ए, हम a1 और d1 दोनों के लिए अलग अलग लेंगे, a2+17d2, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है, रेशियो ऑफ द 18th टर्म। 18th टर्म क्या होती है, a+17d। तो दो APs हैं यहाँ पर, इसलिए ऐसे लिया a1+17d1, a2+17d2, इसकी रेशियो हमें फाइंड करनी है, इसी से ही हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। सम का फॉर्मूला हमें पता है, वो लगा लेते हैं, क्या होता है n/2 2a1, क्योंकि पहली एपी के लिए a1 और d1 हम लेंगे और दूसरी एपी के लिए a2 और d2 लेंगे, n सेम रहेगा क्योंकि वो गिवन है, n टर्म्स का ही है, प्लस n-1 into d1 डिवाइडेड बाय n/2 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल टू 5n+4 9n+6, ठीक है। अब यहाँ से n/2 कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 2a1+n-1d1 2a2+n-1d2। अब मुझे क्या करना है बेसिकली, अब यहाँ से और हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं अननोन, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें कोई ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम यहाँ से यहाँ तक आराम से पहुँच पाए। तो यहाँ से आप चेक करिए, हमें चाहिए यहाँ पर 17 और यहाँ पर क्या है n-1। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती हूँ 35, आप कहेंगे पर कैसे पता चलेगा कि n 35 पुट करना है, पुट करके देखते हैं फिर बताती हूँ क्यों मैंने ये आइडिया लगाया था कि 35 पुट करना चाहिए। 2a1+35-1 कितना हो गया 34d1, 2a2+34d2। अब इधर भी n की वैल्यू 35 पुट कर देते हैं, 5 into 35+4 9 into 35+6, ठीक है। अब इस साइड पे चेक करो, मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, a1+17d1, नीचे से भी 2 कॉमन ले लिया, a2+17d2, वही चीज़ बन रही है, देखो जहाँ हम पहुँचना चाहते थे। इसीलिए हमें, क्योंकि पता था कि ये 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ किसी तरह से 17 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 34 बनाना था, तो 34 कैसे बनेगा, अगर हम उसमें से n को 35 लेंगे, उसमें से -1 करेंगे तो 34 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या ली है, 35 ली है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, इस साइड पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 175, 5 into 35 175 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 315 प्लस 6। तो इस साइड पे हमारे पास जो हम निकालना चाहते थे वो आ गया है, a1+17d1 a2+17d2, दिस विल बिकम्स 179 डिवाइडेड बाई 321। तो रेशियो फाइंड करनी थी, तो रेशियो आ गई 179 रेशियो 321, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका सल्यूशन करना है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ देखो, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ ए पी जो है वो इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स के। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। तो पहले हमें देखना है क्या निकालना है और क्या हमें गिवन है। हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ये हमें गिवन है, यानी कि एस ऑफ पी इज इक्वल टू एस ऑफ क्यू, ये हमें गिवन है, ठीक है।
हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है एस ऑफ पी प्लस क्यू। अब सम का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें गिवन क्या है वहां से स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ पी, एस ऑफ पी मतलब हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर p है तो n की जगह पर p पुट करेंगे, सो p बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, पी की जगह n की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा p माइनस वन इन टू डी, ये हो गया। इस साइड q बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी, ये आ गया आपके पास। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 सामने सामने से कट जाएगा, बचा क्या p इंटू टू ए प्लस, अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पी डी माइनस डी हो गया, इधर q इंटू टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी हो गया। सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लीकेशन करो, ब्रैकेट्स खोलो, टू ए पी माइनस सॉरी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू ए क्यू क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। अब इधर ले आते हैं सभी को, 2ap माइनस 2aq, ये एक साथ कर लिया, प्लस p स्क्वायर d माइनस q स्क्वायर d, ये एक साथ कर लिया, माइनस pd प्लस qd, ये एक साथ कर लिया, और राइट साइड पे जीरो बना लिया। अब हमारे पास यहाँ पर 6 टर्म्स हैं टोटल, इन चारों में से मैं d इकट्ठा भी कॉमन ले सकती हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा है तो दो दो करके आप कॉमन ले लो। तो दो दो का पेयर बना लिया मैंने, ये देखो 2a इधर कॉमन ले लिया p माइनस क्यू, ठीक है, इधर से मैंने d कॉमन ले लिया, अंदर आ गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इधर से भी माइनस d कॉमन ले लिया, अंदर आ गया p माइनस q, मैं माइनस d कॉमन लिया ना तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में से मैं d पूरा कॉमन ले सकती हूँ, अंदर एक ब्रैकेट में आ जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है, और एक ब्रैकेट में मेरे पास आया माइनस p माइनस q इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये स्टेप के बाद आप सीधा ये वाला स्टेप भी कर सकते थे, बट अगर आप ये कर लोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, बाकी का एज इट इज, टू ए इंटू पी माइनस क्यू, ओके, यहाँ तक ओके। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मैं स्प्लिट कर दूं पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू में, बिल्कुल कर सकती हूँ, टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस, यहाँ पर डी के साथ ये मैंने ब्रेक कर दिया इसको पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू में, और ये एक ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ओके। इस स्टेप में सिर्फ मैंने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को ब्रेक किया है। अब इसके अंदर से ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, मैं इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, p माइनस क्यू कॉमन ले सकती हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी हम, d इंटू मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया p माइनस क्यू, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, अंदर बचा मेरे पास एक p प्लस क्यू, और यहाँ पर साथ में आएगा माइनस वन, ठीक है ना, इस टर्म्स में से कुछ नहीं बचा, तो ये बन गई मेरी दो टर्म्स अंदर की, इस तरह से, ओके, ये हो गया। अब मेरे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, अब इन दोनों में से मुझे बताओ मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं इन दोनों में से p माइनस क्यू कॉमन ले सकती हूँ, ले सकती हूँ ना, अंदर क्या बचा, इस टर्म में से 2a बचा, प्लस इस टर्म में से क्या बचा, d इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ओके। अब ये वाला फैक्टर इधर जाके जीरो हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस 2a को मैं उधर ले जाती हूँ, d इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 2a, और इसको उधर ले गए तो यहाँ से मेरी निकल आई d की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस वन, तो ये आ गई है मेरे पास d की वैल्यू। अब मेरे को ये पता है s ऑफ p प्लस q हम लगाते हैं, उसमें d की वैल्यू पुट करेंगे और s ऑफ p प्लस q हम फाइंड करेंगे। सो s ऑफ p प्लस q, अब n की जगह पर क्या है, p प्लस q, बस p प्लस q डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही है ना, मेरे पास n की जगह पर मैंने p प्लस q डाल दिया। अब मेरे पास d की वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, सो बाकी सारा ऐसे ही रहने देते हैं, हम सिर्फ d की वैल्यू पुट करेंगे, p प्लस q माइनस 1
इंटू माइनस टू ए डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है। ये पूरा फैक्टर इसके साथ कट हो जाएगा, बचा के अंदर टू ए माइनस टू ए, ठीक है, टू ए प्लस माइनस माइनस हो गया टू ए, बाहर क्या है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, ये फैक्टर भी अंदर जीरो हो गया। सो जीरो इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, तो जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो, सो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन करना है। सो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर देखो, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। देखो यहाँ पर हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्यू टर्म्स आर टर्म्स, यानी कि एस ऑफ पी एस ऑफ क्यू एंड एस ऑफ आर हमें गिवन है। क्या गिवन है? ए बी सी रिस्पेक्टिवली। S of P हमें गिवन है A, S of Q गिवन है B, S of R गिवन है C, ये हमें गिवन है। S of P का मतलब क्या है? जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n by 2 टू ए प्लस n माइनस 1 into d। तो n की जगह पर मैं p पुट करूंगी, फिर n की जगह पर q पुट करूंगी, n की जगह पर r पुट करूंगी, इस तरह से करना है। सो p by 2 टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये हो गया q बाय टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ये हो गया r बाय टू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो हम इनको इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 पुट कर देते हैं, ओके। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है a बाय पी इंटू क्यू माइनस आर, बी बाय क्यू आर माइनस पी, सी बाय आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस मैटर करेंगी, कैलकुलेशंस नहीं, जो आप कटिंग वगैरह करते हो वो मैटर करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अब सारी चीज़ें जो है वो पी क्यू आर फॉर्म में है। ए बी सी की वैल्यू मेरे पास है, ये है, ये पुट कर देती हूँ मैं यहाँ पर। सो इसकी मैं लेफ्ट साइड ले रही हूँ, ठीक है, वो ले रही हूँ a बाय पी क्यू माइनस आर, यहाँ पर पुट कर रही हूँ वैल्यूज ऑफ a b c इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ओके। सो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है p बाय टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये a की वैल्यू है, इसके डिवाइडेड है p, ओके। अब यहाँ पर साथ में है q माइनस आर, ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। प्लस यहाँ पर बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? क्यू बाय टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और साथ में है यहाँ पर आर माइनस पी, और इसके नीचे है क्यू, ओके। नेक्स्ट सी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट कर रही हूँ आर बाय टू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पर है p माइनस क्यू, और इस पूरे को हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? जीरो के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से p बाय टू डिवाइड बाय p, ये क्या हो जाएगा? अब चेक कर लेते हैं, p बाय टू डिवाइडेड बाय p, इसके नीचे क्या है? वन। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, p बाय टू इंटू वन बाय p हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या? वन बाय टू बचेगा, ठीक है। मैं इसको स्टेप में सॉल्व नहीं करूंगी, इसको ऐसे ही करूंगी, सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया है वन बाई टू कैसे आ रहा है। इसको मैं यहां सॉल्व कर रही हूं, सो दिस इज पी बाई टू डिवाइड बाई पी, ये क्या हो गया? वन बाई टू रह गया, ठीक है। अंदर क्या बचा? टू ए प्लस, मैं इसकी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रही हूं, पी डी माइनस डी, और साथ में क्यू माइनस आर, सिंप्लीफाई कर दिया। सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड को भी करते हैं, प्लस वन बाय टू, ये भी क्यू बाय टू डिवाइड बाय क्यू कट हो जाएगा। अंदर क्या बचा? टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी, और अंदर आर माइनस पी, ठीक है। प्लस तीसरी चीज़, आर बाय टू डिवाइड बाय आर भी क्या रह जाएगा? वन बाय टू, टू ए प्लस आर डी माइनस डी, और साथ में पी माइनस क्यू, ठीक है। अब सभी में वन बाय टू है, तो सभी में से मैं वन बाय टू पूरा कॉमन ले लेती हूँ और ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो वन बाय टू मैंने पूरा का पूरा बाहर ले लिया, अंदर मैं एक बार स्टेप में लिख लेती हूँ, टू ए प्लस पी डी माइनस डी, ये एक ब्रैकेट है, इंटू क्यू माइनस आर,
फिर यहाँ आ जाएगा 2a प्लस क्यू डी माइनस डी दूसरी ब्रैकेट r माइनस पी, फिर मल्टीप्लाई मुझे करना है 2a प्लस आर डी माइनस डी और साथ में p माइनस क्यू, ठीक है ओके ये आ गया मेरे पास 1/2, मैंने सारा कॉमन ले लिया। अब मुझे सिर्फ ये अंदर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करनी है और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। सो ये मैंने टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, मैं एक ब्रैकेट आपको बता रही हूँ कैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन की है। तो यहाँ टर्म्स कितनी बननी चाहिए थी टोटल, देखो ये 3 है और ये 2 है, 3 × 2 = 6 टर्म्स बनेंगी इस ब्रैकेट की, फिर 6 इसकी और 6 इसकी, टोटल 18 टर्म्स बननी चाहिए और वो सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे किया है, 2a इंटू क्यू 2a क्यू, ओके 2a इंटू माइनस आर माइनस 2a आर, पी डी इंटू क्यू पी डी क्यू, पी डी इंटू माइनस आर माइनस पी डी आर, माइनस डी इंटू क्यू माइनस डी क्यू आ गया, माइनस डी इंटू माइनस आर प्लस का डी आर, द सेम वे अदर 6 एंड अदर 6 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर अब कैंसिलेशन करनी है टर्म्स की, ध्यान से देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 2a क्यू प्लस का ये 2a क्यू माइनस का है, कैंसिल हो गया, 2a आर यहाँ पर है और ये प्लस का 2a आर, ठीक है, पी डी क्यू यहाँ प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, पी डी आर और ये है आर डी पी प्लस का, ठीक है, डी क्यू माइनस का है ये प्लस का है, देन डी आर यहाँ पे प्लस और माइनस का, 2a पी माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, क्यू डी आर और ये आर डी क्यू, ठीक है, देन डी पी और ये डी पी, तो देखो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। सो बचा क्या मेरे पास अंदर, कुछ भी नहीं, जीरो, ठीक है, तो 1/2 × 0 इज जीरो, सो दिस इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। सो आई होप आज के क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों, बट स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।